जरा सोचिए, आप सुबह सुबह नींद से उठकर बाथरूम में दाखिल हों और सामने पानी की टूटी पर आपको कई फीट लंबा अजगर दिखाई दे जाए, जाहिर है कि कोई भी ये देखकर डर जाएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां घर के बाथरूम में 7 से 8 फीट लंबा अजगर पानी की टूटी पर लिपटा मिला। अजगर मिलने की खबर जैसे ही कॉलोनी में फैली, हड़कंप मच गया। मामले की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस और वाइल्ड लाइफ टीम ने मिलकर अजगर रेस्क्यू कर लिया और उसे ले जाकर अरावली की पहाड़ियों में छोड़ दिया। ड्यूटी अफसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूँ, तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। जिस सूचना पर पहले ही 112 ईआरवी पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में, और वहां पे लिपटा हुआ मिला। तो मैंने तुरंत ही अपने कंट्रोल रूम से अफसरों से सूचना प्राप्त करके रेस्क्यू टीम का नंबर प्राप्त किया और उसको तुरंत मौके पे आने के लिए बोला, तो तुरंत ही रेस्क्यू टीम मौके पे आई है, जिसने ये रेस्क्यू किया है और सांप को पकड़ लिया है। बता दें कि सेक्टर 65 के पास से आगरा कैनाल निकलती है, जिसमें अक्सर इस तरीके के जीव जंतु निकल कर आते हैं, लेकिन घर के अंदर अजगर निकलने का ये पहला मामला आया है, जिसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। कुछ देर पहले सूचना मिली कि ये किसी घर में अजगर है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम भी तुरंत एक्शन लिया और जी मौके पर देखा और उसको रेस्क्यू कर लिया। कितना लंबा था और कितना घातक हो सकता था ये अगर किसी को अपनी चपेट में ले सकता, क्योंकि रिहायशी एरिया के अंदर निकला है। देखो जी, इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन 7-8 फुट के करीब है और घर के अंदर था, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट लोगों को थी, दिखाई दे रही थी जी। और बस यही था कि जी सुरक्षित रखा जी लोगों ने, इसके ज्यादा नजदीक नहीं आए। कितना नुकसान हो सकता था यदि अगर किसी को अपनी चपेट में, अगर कोई बच्चा इसके नजदीक अगर आ जाता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था जी। ठीक। और कुछ जानवर, कुछ कुत्ते वुत्ते बिल्ली, अगर घर में कोई पालतू जीव है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक। गनीमत ये रही कि अजगर मिलने के बाद घर का कोई भी सदस्य बाथरूम में नहीं गया, वरना अजगर के चपेट में आने से किसी की जान भी जा सकती थी। बहरहाल वाइल्ड लाइफ की टीम ने अजगर की जांच के बाद उसे अरावली की पहाड़ियों में बसे जंगल में छोड़ दिया है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।